ये है नीदरलैंड डॉर्फ, बहुत ज़बरदस्त बनी। तो इसका जुगाड़ हम लोगों ने लगा लिया, ये हमारा सेट है, फिर इसको बॉक्स में पैकिंग करेंगे। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह से जो है लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने अपने सेटअप को भी नहीं खोला था। खैर सुबह मैंने लूसन तो डाल दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने सेटअप को खोल दिया लाके, क्योंकि जब खोल देते हैं तो हमारे रैबिट्स की एक खुशी सी होती है, पता नहीं क्या है, वो खुशी तो नहीं होती पर मुझे फील होती है, क्योंकि उनको होती है, क्योंकि वो बंसा हो जाता है। वो लोग पहले खुले रहने के आदी थे गर्मियों में, और फिर उनको बिल्कुल हम लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन ये है कि अभी मौसम कुछ इस टाइप का हो रहा है इस तरह का। और बाकी आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो कि ये रैबिट है, ये अभी आया है, एक भाई जो है वो देखे गए हैं लाहौर में ही थे। वो इसलिए क्योंकि हमारे सरगोदा में एक कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे एक बनी जो है मेल बनी परचेज़ की है, एज ए पेट जो है वो रखते हैं, बहुत शौकीन हैं। तो खैर उन्होंने मेरे से भी यही मांगा था, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फीमेल नहीं थी, उनको ये वाली फ़ीमेल चाहिए थी, और एक दूसरी ब्रीड है नीदरलैंड डॉर्फ, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसकी उनको फ़ीमेल चाहिए, सॉरी मेल चाहिए था, और इस ब्रीड की फ़ीमेल चाहिए थी। तो इस वाली ब्रीड की फ़ीमेल मेरे पास नहीं थी, फ़ीमेल तो थी लेकिन एक्स्ट्रा फ़ीमेल नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए भाई ने किसी और से खरीद लिया। और फिर मुझे कहा कि भाई मुझे आप पे यकीन है, क्योंकि वो लोग वो पहले भी मेरे से जो है वो मंगवा चुके हैं, कि आप ही करवाइएगा उनके थ्रू नहीं, और शायद वो उनके कहने का मकसद क्या था वो मैं समझ चुका हूँ। तो भाई मैंने समझा था भाई वो कोई अच्छी सी पैकिंग करके लाएगी, हमारा काम बिज़ी हो जाएगा, और हम क्या करेंगे कि उसी में डालेंगे, जो बॉक्स वो लाएंगे तो अपना काम बिज़ी हो जाएगा, उसी में डालेंगे और जाके कार को करवाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये पैकिंग आई है तो इसलिए हमारा काम भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो अपना पीस मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला लिया है, अभी इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो भाई बारिश जो है बहुत टिका की हुई है, हम इसको किसी केज वगैरह में डालेंगे। अपने वाला पीस जो है वो भाई यहाँ पर है, अभी मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ इसको। ये है माशाल्लाह से, अरे माशाल्लाह, ये है नीदरलैंड डॉर्फ, बहुत ज़बरदस्त बनी है। अगर आपने मेरा पेज जो है वो फेसबुक पे लाइक नहीं किया हुआ तो उसको जाके सर्च करके उसको लाइक काइंडली कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। अनमोल पेट्स प्लानेट के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर हमारी पोस्ट जो है वो आती रहती है, ऐड जो हम लगाते हैं फॉर सेल वाले। तो ये बनी भी हमने फॉर सेल लगाया था, तो भाई ने ऐड देखा और उन्होंने परचेज़ कर लिया। तो भाई अभी क्या करेंगे कि इसको हम डालेंगे, इनकी पैकिंग वगैरह करेंगे, पैकिंग चेकिंग करके तो फिर लारी डाले चलेंगे और इनको सरगोदा के लिए कार्गो करवा देंगे। तो भाई लोग कार्गो के लिए जो रैबिट्स जाने थे उनकी सेटिंग हो गई है, ये बॉक्स मैंने निकाल दिया उनके लिए। वैसे तो कार्गो जो होती है वो इन टोकरियों में होती है, ये फल वाली टोकरियाँ हैं, लेकिन आजकल आपको पता है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो भाई ठंड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं ताकि हवा ना लग जाए उनको, हवा के लिए वैसे तो हम लोगों ने उनकी ऑक्सीजन के लिए सांस भी लेना, उन्होंने ज़िंदा रहना, ये हमने सुराख वगैरह तो कर दी है मैंने, लेकिन सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हम क्या करते हैं कार्गो उसी में करते हैं, मतलब इस बॉक्स में करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो के लिए भाई भाई का जुगाड़ चेक करें, नीचे टेबल है, ऊपर ये दो टोकरी देख ली, और ऊपर आ गया ये, अभी बताता हूँ ये है क्या सिस्टम बता दो, और ऊपर चलेगा ये वाला कपड़ा, ठीक है, ये डलेगा, बल्कि डाल ही लेते हैं इसको, रख देते हैं भाई साहब इस तरह से ये कपड़ा। खैर मैं इसको सीधा वीधा कर लेता हूँ, तो ये सेट बन जाएगा हमारा। ये वीडियो लगेगी हमारी फेसबुक पेज पे, अनमोल पेट्स फ्रेंड के नाम से पेज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, हमारे जो फॉर सेल के ऐड लगते हैं वो वहीं लगते हैं। तो अभी वीडियो में भी आया करेंगे भाई, फॉर सेल वाली जो चीज़ें होंगी वो मैं दिखा दूंगा भाई ये चीज़ें फॉर सेल हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको लाइक फॉलो लाजमी कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको मजीद चीज़ें जो पता चलेंगी, मतलब ऐड वगैरह मेरे वहीं पे आते हैं। तो ये जो यहाँ वीडियो बनेगी वो उस पर जाएगी, जो हमारे रैबिट्स कार्गो होते हैं तो उनकी वीडियो हम वहाँ लगाते हैं, और जो मतलब फॉर सेल वाले होते हैं वो सब कुछ हम वहीं पर डालते हैं। तो ये वहाँ डलेगा, ये भी ऊपर डलेगा, और फिर यहाँ मैं स्टैंड वैंड रख के और उसको जुगाड़ कोई लगाऊंगा, अभी स्टैंड का स्टैंड मेरे पास है वहाँ पड़ा हुआ है साइड पे। तो इसका जुगाड़ हम लोगों ने लगा लिया, ये हमारा सेट है, फिर इसको बॉक्स में पैकिंग करेंगे और फिर चलते हैं लारीडा, लारीडा जाके इसको कारो करवाएंगे, और फिर कारो करा के फिर घर वापस आ जाएंगे। तो भाई लोग जिस डब्बे में उन्होंने भेजा था, मैं तो ये सोचा था कि भाई उसी में कार्गो करवा देंगे, हमारा काम इजी हो जाएगा, ये तो हमारा अपना डब्बा है। तो उन भाई ने भाई इस डब्बे में भेजा, मैं क्या चलो जी इसमें तो अब जा नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने अपना डब्बा डाल दिया। तो अपने डब्बे हम क्या करते हैं, प्राली तो इसमें मेरे ख्याल पहले की पड़ी हुई है, हाँ पड़ी हुई है पहले से, लेकिन इसके लिए प्लास्टिक नहीं है। तो प्लास्टिक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये वाले जो प्लास्टिक है ना, ये वाले तो ये आटे के जो है ये प्लास्टिक है, ठीक है शॉपर, तो इसको क्या करते हैं हम काट वाट के यहाँ डब्बे के नीचे वाली साइड पे डाल देते हैं, तो इसको भी डाल लेंगे अंदर। और प्राली तो पहले से पड़ी हुई है, ये आपको ये ऊपर ये जो आपको बोरियाँ नज़र आती हैं सब प्राली की भरी हुई हैं। तो भाई कार्गो की हम लोगों ने पहले से इंतजाम करके रखे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे वीक में एक दो तीन कार्गो होती रहती हैं, एक मतलब एक तो मस्ट है ना, हो ही जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इसको एक ही दफ़ा स्टॉक ला के रखा हुआ है, और फिर इसके अंदर डालते हैं, नीचे ये प्लास्टिक डालते हैं, ऊपर ये डालते हैं, और फिर पैक चेक करके तो जाके दे आते हैं। तो भाई अभी क्या कर लेते हैं, पहले पैकिंग करते हैं वरना लेट हो जाएंगे।
भाई लोग लारियड आ चुके हैं, ठीक है, बॉक्स भी अपने पास है, गाड़ी मिल गया सर को था कि भाई यहाँ आपके भी एक मेहनत करना पड़ती है भाई, इनके ज्यादा की बहस करना पड़ती है, ऐसे मानते नहीं है, पैसे ज्यादा मांगते हैं, ये गाड़ी है और ये राजी अपना बॉक्स अंदर रखवा देते हैं भाई, अंदर ही भाई ना रखना अंदर, हेलो रखो 600 तो भाई लोग अंदर इन्होंने रख दिया, अभी क्या करते हैं कि भाई हम लोग घर चले जाते हैं, घर जाके फिर रात को फीड वगैरह डालेंगे। तो भाई लोग घर पहुंच गए हम लोग, अभी मैं ऊपर आया हूँ, अभी सीढ़ी से ऊपर आया हूँ और जाते हुए मैं इसको नीचे कर गया था, दरमियान वाला आपके ये उठा हुआ था, तो अंदर चले जाते हैं, जाके लाइट्स वाइट्स ऑन करते हैं और फिर क्योंकि फीड का टाइम भी हो गया तो फीड वीड भी डालेंगे। तो भाई फीड का टाइम हो गया, शाम हो गया तकरीबन 4:30-5:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो फीड अभी डालेंगे। अच्छा इसकी ये लूसन आया है ड्राई वाला, इंशाल्लाह कल मैं, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना मैं इसको कल जो है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को भाई ये क्यों आया है, कैसे आया है, किस मकसद से आया है, ठीक है। तो अब से हमारे रैबिट्स ड्राई लूसन खाएंगे, तो अभी क्या कह लेते हैं भाई फीड डाल लेते हैं, फीड डालने के बाद फिर रात को फिर से लूसन डलेगा और मेरे ख्याल वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।